आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। गांव की शादियों में अक्सर रस्मों के दौरान ये पंक्तियां सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी आजकल ऐसा ही माहौल सजा है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की ससुराल मिथिला से अपने जीजा के लिए महिलाएं थार लेकर पहुंची। नेपाल के जनकपुर से प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुंची हजारों की संख्या में महिलाएं एक बार फिर त्रेता युग की झलक दिखा रही। माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर से हजारों की संख्या में नेपाल के श्रद्धालु अपने पाहुन यानी दामाद और अपनी दीदी के लिए शनिवार को रामनगरी अयोध्या उपहार लेकर पहुंचे। हजारों साल बाद भी जनकपुर के लोग प्रभु राम को अपना दामाद और माता सीता को अपनी बेटी और बहन मानते हैं। शायद यही कारण है कि यह प्रभु राम के भव्य महल में विराजमान होने से पहले हजारों की संख्या में प्रभु राम के ससुराल के लोग भार लेकर रामनगरी पहुंचे, जिसमें अलग अलग प्रकार के पकवान और आभूषण शामिल हैं। इतना ही नहीं, अपने दामाद के घर पहुंचकर जनकपुर वासियों ने कार सेवक पुरम में शादी ब्याह में होने वाले सोहर गीत पर अपने अद्भुत डांस भी दिखाए। इस दौरान भगवान राम के ससुराल पक्ष वालों का भी अयोध्या वासियों ने बड़े जोरदार तरीके से स्वागत किया। लोगों ने जनकपुर से आई महिलाओं पर फूल बरसाए और भव्य रूप से उनका स्वागत किया। आइए आपको सुनाते हैं कि जनकपुर से आई महिलाएं आखिर अपने जीजा के लिए क्या लेकर आई हैं। आज मिथिला माता सीता जी के ऐसे लोग आए हुए हैं और यहाँ रिश्तेदार बसकर के आए हैं। कैसा स्वागत किया आपने, कितनी खुशी महसूस है? बहुत खुशी है, आज भगवान अयोध्या का भाग जगह है, माता जी के यहाँ से भार आया है। भार आना बहुत ही शुभ काम माना जाता है, हम लोग उसी तरह से उन लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा, कल से ही तैयारी चल रही है। अभी आप देखिएगा बहुत सारी तैयारी की है। तिलक लगा करके आरती उतार कर जी 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 जी, सौभाग्य है मेरा कि मिथिला के लोग आए और हम लोग स्वागत करें। कई सालों क्या सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा सौभाग्य मिला है हम लोगों को। धन्य है आज अयोध्या और धन्य है हम लोग कि हम लोग को ये सौभाग्य मिल रहा है। नहीं कहा नेपाल से इतनी दूरी से लोग तय करके आए हैं, जितना भी करे उतना ही कम है हम लोग का। भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन अभी उनके पास कोई महल नहीं था। ये 5000 वर्षों का जो इतिहास एक बना है, जो द्वापर से लेकर त्रेता से लेकर आज कलयुग में है, तो मिथिला और अवध का जो संबंध है और नेपाल और भारत का जो संबंध है, इसके नाते हम लोग प्रगाढ़ हुए हैं। देखिये, हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी जानकी जी के नैहर से उनके पीहर से आज ये भार यहाँ पर आया हुआ है। जैसा कि भारतीय परिवारों में परंपरा रही है कि कोई शुभ अवसर हो तो कन्या के घर से भार आता है, यानी कि मिष्ठान और बहुत सी चीजें आती हैं। उसी दृष्टिकोण से आज जनकपुर के महापौर हम लोगों के बीच में सामान लेकर आए हैं और उनका बहुत स्वागत है और बहुत अभिनंदन है।